तो गाइस यार जनवरी मंथ तो चल रहा है और गाइस क्या आप लोगों को पता है बहुत ही जल्द 26 जनवरी आने वाला है। और गाइस यार 26 जनवरी में हम लोगों को हमेशा ही काफी सारे फ्री रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो हम लोगों को इस बार कौन से फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं सभी लोग इसी कंफ्यूजन में है। तो देखो गाइस यार आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग आज की वीडियो को पूरा ध्यान से देखो। आज मैं आप लोगों को 26 जनवरी के सारे फ्री रिवॉर्ड्स का रिव्यू करवाने वाला हूं एंड आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों को कब कैसे और कौन सा फ्री रिवॉर्ड मिलेगा। देन गाइस यार इतना ही नहीं, आज की वीडियो में तो हमारे गेम के अंदर आने वाले और भी बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि गाइस यार सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को एक टुनाइट अपडेट के बारे में बताऊंगा। देन गाइस यार आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट मिस्ट्री शॉप का भी रिव्यू करवाने वाला हूं। साथ ही साथ गाइस यार आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट इंक्यूबेटर भी दिखाऊंगा। फिर गाइस यार इतना ही नहीं, आज की वीडियो में तो कुछ और भी ऐसे छोटे बड़े अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन है। सच में यार एक तरीके से देखा जाए तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए गाइस यार आज की वीडियो को आप सभी लोग पूरा ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखना। आज के वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना वरना आप लोग काफी सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो चलो गाइस यार फिलहाल हम लोग बिना किसी फालतू टाइम को वेस्ट करे हुए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले टुनाइट अपडेट के बारे में। तो देखो गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, अभी के टाइम पे हमारे गेम के अंदर डेंसो इवेंट चल रहा है। इसका कैलेंडर भी हमारे गेम के अंदर अवेलेबल है जो कि अभी आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। और गाइस यार इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे गेम के अंदर कल सुबह 4 बजे एक बहुत ही कमाल का मोगो स्टोर इवेंट आने वाला है। भाई सच में यार मुझे मोगो स्टोर इवेंट बहुत पसंद है क्योंकि गाइस यार वहाँ पर सिर्फ लिमिटेड ही डायमंड लगते हैं। जी हाँ गाइस यार हमारा मोगो स्टोर इवेंट बिल्कुल फेडेड व्हील की तरह रहता है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों को एक ही आइटम दो दो तीन तीन चार चार बार चिपकाया जाए, एक आइटम हम लोगों को एक ही बार मिलता है। बाकी गाइस यार अगर हम लोग इस वाले मोगो स्टोर इवेंट की बात करें तो यहाँ पर एक तो बहुत ही कमाल का पर्पल कलर का साइथ का स्किन अवेलेबल है जो की लेजेंडरी है और दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। देन गाइस यार यहाँ पर एक स्कार का स्किन भी अवेलेबल है जो की अभी आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। ये स्कार का स्किन भी काफी अच्छा लग रहा है, आप लोग देखो यार इसके ऊपर से क्या ही तगड़ा एक इफेक्ट भी निकल रहा है। बाकी गाइस यार इस मोगो स्टोर इवेंट के रिगार्डिंग अगर मैं आप लोगों को अपना हॉनेस्ट रिव्यू दूं, भाई मुझे तो ये मोगो स्टोर इवेंट काफी अच्छा लगा। यहाँ पर अवेलेबल साइट स्कार सब कुछ एक नंबर है। बाकी गाइस यार आप लोगों को ये मोगो स्टोर इवेंट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो गाइस यार फिलहाल तो अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट इंक्यूबेटर के बारे में। तो देखो गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, जो इस बार हमारे गेम के अंदर OB38 अपडेट आया था, इस अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर इंक्यूबेटर की थीम के दो ही आइटम ऐड हुए थे। एक तो ये बंडल थे जो कि अभी के टाइम पे ऑलरेडी हमारे गेम के अंदर आ चुके हैं। भाई सच में यार ऐसे ही तो बंडल हमारे गेम के अंदर इंक्यूबेटर में आते हैं जो कि सिमिलर टाइप के रहते हैं। बट गाइस यार क्योंकि ये बंडल तो हमारे गेम के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं तो बचे थे हमारे ही वुड पीकर के गन। जी हाँ गाइस यार आप लोगों ने एकदम सही सुना, दो ही चीजें ऐसी थी, एक तो बंडल और दूसरी वुड पीकर की गन जो कि एक ही जैसे तीन चार थे और चांसेस थे कि हम लोगों को हमारे गेम के अंदर इंक्यूबेटर में देखने को मिल सकते हैं। डेंसो थीम में तो सारे के सारे बंडल ऑलरेडी आ चुके हैं, अब बचा है तो सिर्फ ये वुड पीकर की गन। बाकी गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि अभी के टाइम पे ऑलरेडी हमारे गेम के अंदर एक गन का इंक्यूबेटर अवेलेबल है। आप लोगों को पता होगा अभी के टाइम पे हमारे गेम के अंदर वेक्टर गन का इंक्यूबेटर अवेलेबल है, तो यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोगों को नेक्स्ट हमारे गेम के अंदर ये वुड पीकर गन का इंक्यूबेटर देखने को मिले। क्योंकि गाइस यार हमारे गेम के अंदर हमेशा ही अगर कोई बंडल का इंक्यूबेटर चल रहा होता है तो उसके बाद गन का इंक्यूबेटर आता है, इसलिए गाइस यार हम लोगों को हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट ये वुड पीकर गन का इंक्यूबेटर देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो गाइस यार क्योंकि हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट ये वुड पीकर का इंक्यूबेटर नहीं आएगा तो अभी सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट इंक्यूबेटर आएगा तो आएगा कौन सा। देखो गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे गेम के अंदर इस वेक्टर के इंक्यूबेटर के आने से पहले आप लोगों को याद होगा दो दो बंडल को इंक्यूबेटर में दिया जा रहा था। एंड गाइस यार सेम इसी तरीके से हम लोगों को हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट इंक्यूबेटर में भी रैंडमली दो बंडल को दिया जाएगा। बाकी देखो गाइस यार अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि हमारे गेम के अंदर इंक्यूबेटर में नेक्स्ट जो दो बंडल आएंगे वो कौन से हैं, पर देखो गाइस यार आप लोग चिंता मत करो, जैसे ही मुझे उन दो बंडल के बारे में पता चलेगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। बट क्योंकि गाइस यार अभी तो मेरे पास इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट मिस्ट्री शॉप इवेंट के बारे में। तो गाइस यार आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो बहुत ही कमाल का मिस्ट्री शॉप इवेंट आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बता दूं नेक्स्ट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर यही वाला मिस्ट्री शॉप आने वाला है। यहाँ पर गाइस यार बुइया पास भी अवेलेबल है, साथ ही साथ गाइस यार यहाँ पर एक से एक ओपी ओपी से बंडल अवेलेबल है जो की आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। देन गाइस यार हम लोगों को इन बंडल के बाद यहाँ पर एक ग्लू वॉल देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ गाइस यार यहाँ पर एक कटाना का भी स्किन है। फिर गाइस यार हम लोगों को इस कटाना के स्किन के बाद भी यहाँ पर काफी तगड़े तगड़े आइटम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि गाइस यार यहाँ पर इमोट्स भी है, साथ ही साथ बैकपैक का स्किन है और भी काफी सारी चीजें हैं। ओवरऑल गाइस यार मैं आप लोगों को अपना हॉनेस्ट रिव्यू दूं, तो भाई मैं तो मिस्ट्री शॉप के एक ही साइड को देख के फ्लैट हो गया, भाई कितना तगड़े तगड़े आइटम है। ओवरऑल गाइस यार अभी हम लोग इस मिस्ट्री शॉप को स्विच करते हैं और देखते हैं हम लोगों को मिस्ट्री शॉप के दूसरी साइड क्या कुछ आइटम देखने को मिलेंगे। तो गाइस यार हम लोगों को यहाँ पर भी एक तो बहुत ही कमाल का मेल बंडल देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ गाइस यार यहाँ पर बुइया पास का लेवल 50 वाला पैक भी है। देन गाइस यार हम लोगों को इस साइड भी कुछ रैंडम बंडल देखने को मिल रहे हैं, फिर यहाँ पर एक नेम चेंजिंग कार्ड है, देन हम लोगों को यहाँ पर एक कटाना का भी स्किन देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ गाइस यार यहाँ पर भी इमोट्स
वगैरह, ग्लूवल वगैरह, काफी सारी चीजें हैं जो कि आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। भाई सच में यार, अगर मैं आप लोगों को इन एक एक आइटम का इंडिविजुअल रिव्यू करवाने लगा तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए गाइस यार अभी हम लोग बात करते हैं कि ये मिस्टर शॉप हमारे गेम के अंदर कब आएगा। तो देखो गाइस यार, मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, हम लोगों को ये मिस्टर शॉप हमारे गेम के अंदर इस जनवरी मंथ में देखने को नहीं मिलने वाला है। जी हाँ गाइस यार, ये मिस्टर शॉप हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट मंथ फरवरी में आएगा, और वही फरवरी में 20 से 25 तारीख के बीच में हम लोगों को ये देखने को मिलेगा। और गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, क्योंकि हमारे गेम के अंदर आने वाली फरवरी मंथ की मिस्टर शॉप के अंदर बुया पास अवेलेबल है, इसलिए गाइस यार आप लोगों को फरवरी मंथ के बुया पास को एकदम स्टार्टिंग में नहीं खरीदना है, आप लोगों को इंतजार करना है इस मिस्टर शॉप का, क्योंकि गाइस यार आप लोग मिस्टर शॉप के अंदर से बुया पास को काफी ज्यादा डिस्काउंट में ले पाओगे। होप करता हूं गाइस मैं आप लोगों को मिस्टर शॉप के रिगार्डिंग जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड गाइस यार फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं हमारे जनवरी मंथ के बुया पास के बारे में, क्योंकि गाइस यार मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि हमारे गेम के अंदर फरवरी मंथ के बुया पास में डिस्काउंट आने वाला है, बट अभी भी काफी सारे बंदों को कंफ्यूजन है कि हम लोगों को क्या हमारे गेम के अंदर जनवरी मंथ के बुया पास में भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा, या फिर इस बार जनवरी में कोई भी डिस्काउंट नहीं आने वाला है। तो देखो गाइस यार मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, बिल्कुल एकदम 0% चांसेस है कि हम लोगों को हमारे गेम के अंदर इस जनवरी मंथ के बुया पास में कोई डिस्काउंट देखने को मिले। जी हाँ गाइस यार, आप लोग एकदम सही सुन रहे हो, इस मंथ तो हमारे गेम के अंदर कोई भी डिस्काउंट नहीं आएगा, इसलिए गाइस यार अगर आप लोगों को इस जनवरी मंथ के बुया पास को खरीदना है तो आप लोग अभी खरीद लो, क्योंकि बाद में भी ऐसा कुछ खास डिस्काउंट तो आने नहीं वाला, तो कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल गाइस यार अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले 26 जनवरी के मेगा इवेंट के बारे में। तो देखो गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो हमारे गेम के अंदर हर साल 26 जनवरी में हम लोगों को कुछ ना कुछ फ्री रिवॉर्ड्स मिलते थे, बट क्योंकि गाइस यार अभी के टाइम पे हमारा फ्री फायर इंडिया के अंदर बैन पड़ा है, तो यार मुझे तो लगता नहीं है कि हमारे गेम के अंदर 26 जनवरी के दिन कोई बड़ा इवेंट आएगा, क्योंकि आप लोगों को याद होगा गाइस यार हम लोगों को 15 अगस्त के दिन भी कोई इवेंट वगैरह देखने को नहीं मिला था, एंड 15 अगस्त में तो गरीना फ्री फायर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं करा था कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फलाना फलाना, कोई ऐसा पोस्ट नहीं था, और ना ही मुझे लगता है कि अभी 26 जनवरी को ऐसा कोई पोस्ट गरीना करेगा। भाई आप लोग खुद ही याद करो यार, पिछले साल 15 अगस्त में ये एक्सक्यूज हमको मिला था कि इस बार विश गरीना फ्री फायर ने इसीलिए नहीं किया क्योंकि इंडिया के अंदर फ्री फायर बैन पड़ा है। भाई पूरे दुनिया भर के पोस्ट वहाँ पर होते हैं, बस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का पोस्ट नहीं हुआ था, और मुझे तो लगता भी नहीं कि इस बार हैप्पी रिपब्लिक डे का कोई ऐसा पोस्ट होगा 26 जनवरी के दिन। बाकी गाइस यार मैं अभी आप लोगों को लीक्स के अकॉर्डिंग फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस आप लोगों को याद होगा हमारे गेम के अंदर एक बर्मुडा ड्रीम इवेंट आने वाला है, जिसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ। देखो गाइस यार हमारे गेम के अंदर 26 जनवरी के टाइम पे क्योंकि ये बर्मुडा ड्रीम इवेंट चल रहा होगा, तो इस वजह से एक चीज तो कन्फर्म है कि हमारे गेम के अंदर रिपब्लिक डे का कोई भी बड़ा इवेंट नहीं आएगा, बट फिर भी गाइस यार एक दो कुछ फ्री रिवॉर्ड्स निकल के आ रहे हैं, जैसे कि गाइस यार आप लोग स्क्रीन में इस बंडल को ही देख लो। भाई सच में यार ये बंडल हमारे गेम के अंदर इंडिया सर्वर में अभी तक फ्री नहीं मिला है, बट फ्री फायर के जितने भी सारे सर्वर हैं वहां पर ये बंडल किसी ना किसी इवेंट में ऑलरेडी फ्री मिल चुका है, इसीलिए गाइस यार चांसेस है कि हम लोगों को इस बार 26 जनवरी के दिन हमारे गेम के अंदर ये बंडल फ्री में मिले। बाकी गाइस यार इसके अलावा तो और कोई भी दूसरे फ्री रिवॉर्ड्स अभी तक निकल के नहीं आ रखे हैं, वैसे गाइस ये ज्यादा कुछ बड़ा लफड़ा भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे गेम के अंदर हम लोगों को बर्मुडा ड्रीम इवेंट के अंदर से तो ऑलरेडी फ्री रिवॉर्ड मिल ही रहे होंगे। बाकी गाइस यार अगर हमारे गेम के अंदर बर्मुडा ड्रीम इवेंट नहीं आता तो हमारे गेम के अंदर गरीना फ्री फायर 26 जनवरी के अंदर वही सारे फ्री रिवॉर्ड्स देता जो कि बाहर के सर्वर में बर्मुडा ड्रीम इवेंट में मिल रहे हैं। कहने का मतलब यह कि गाइस यार हम लोगों को फ्री रिवॉर्ड तो मिल ही रहे हैं, अब भले ही वो 26 जनवरी में मिले या फिर बर्मुडा ड्रीम इवेंट में। ओवरऑल गाइस यार जितनी भी पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही थी सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। और हाँ गाइस मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, हम लोगों को हमारे गेम के अंदर 26 जनवरी के दिन इस बंडल के अलावा शायद ही कोई दूसरा फ्री रिवॉर्ड मिलेगा, बट गाइस आप लोग चिंता मत करो, आने वाले टाइम पे अगर मुझे किसी दूसरे फ्री रिवॉर्ड के बारे में पता चला तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के वो भी बता दूंगा, बट क्योंकि गाइस यार अभी के टाइम पे तो हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था, इसलिए गाइस यार हम लोग आज के इस कमाल के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।